तो बच्चों, अब तक हमने सामान्य ज्ञान इस विषय के बारे में जानकारी हासिल की है। सामान्य ज्ञान क्या है, सामान्य ज्ञान सीखने की ज़रूरत क्या है, सामान्य ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार से उपयुक्त है, तो आगे इस विषय में हम कुछ और मालूमात करेंगे। जैसे कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जा सकता है या सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम अपने विश्व के बारे में सोचेंगे। विश्व के बारे में जब हम सोचने लगेंगे तो हमारे विश्व में कितने देश हैं, ये सवाल हो सकता है। उन देशों की राजधानियाँ कौन सी हैं, उस देशों में कौन से चलन इस्तेमाल किए जाते हैं, उसी प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, उसी के साथ सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है, सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है, ऐसे भी सवाल सामान्य ज्ञान में आते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने विश्व के बारे में कुछ जानकारी सुनी, उसी प्रकार से देश के बारे में भी हम कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, उन राज्यों की राजधानियाँ कौन सी है, उन राज्यों के विशेषताएँ कौन सी है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे देश में अलग अलग राज्य है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा है, अलग अलग प्रकार का आहार है, अलग अलग प्रकार के वेशभूषाएँ हैं, हर राज्य की अलग अलग संस्कृति है। तो ये सब जानकारी हमें सामान्य ज्ञान में होना ज़रूरी है। जैसे कि समंदर के बारे में जब हम सुनने जाएंगे तो समंदर के नाम क्या है, सबसे बड़ा समंदर कौन सा है, समंदर में सबसे बड़ा जीव कौन सा है, अनेक प्रजाति उनमें हैं, उनकी भी जानकारी हमारे लिए ज़रूरी है। उसी प्रकार से हमारे ज़िले में विशेषता कौन सी है, हमारे गांव में कौन सी विशेषताएं हैं, ऐसी सब बातें हमें सामान्य ज्ञान से पता चलती है। और ये बातें हमारे भविष्य के लिए, हमारे दिमागी विकास के लिए ज़रूरी है। जिसे हमारे देश में संविधान है, देश किस प्रकार से चलता है, देश के नियम क्या है, ये भी मालूमात एक सामान्य ज्ञान का ही भाग है। उसी प्रकार से हमारे देश में अनेक दिन मनाए जाते हैं, उन दिनों में हम उस दिन को कुछ अलग ढंग से मनाते हैं। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती हो, जैसे कि महात्मा गांधी जी की जयंती हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती हो, जैसे ही हमारा 15 अगस्त स्वतंत्र दिन, उसी प्रकार से प्रजासत्ताक दिन 26 जनवरी, ये दिन हमारे लिए भी कुछ खास दिन है। तो ऐसे दिनों की भी जानकारी इस सामान्य ज्ञान में होना ज़रूरी है। और उसी प्रकार से ये पाठ में भी हमें कुछ सामान्य जानकारी देने की बात कही है। धन्यवाद।